इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूज़ से रिलेटेड। जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने मुंतखब चैनल से बने रही तमाम रहनुमाओं को तो नहीं बुलाया था, 14 सियासी जमातों के रहनुमाओं को उन्होंने बुलाया था मकबूजा कश्मीर के, और उसमें चार वज़राए आला थे, गालिबन महबूबा मुफ्ती साहिबा थीं, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे और बाकी जमातों की भी नुमाइंदगी थी उसमें। वो मुलाकात नाकाम हो गई बुरी तरह और उसका कोई इलामिया भी जारी नहीं हुआ और अंदर जो है वो झगड़ा हुआ है। बाहर आके जो मर्जी कहते रहे आई बातें, लेकिन अंदर जो है वो झगड़ा इस बात पे हुआ है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आर्टिकल 370 उठाने की बात की है। यही बात जो है वो राहुल गांधी ने की है, यही बात जो है गुलाम नबी आज़ाद ने किसी और अंदाज में कही है, और यही बात फिर मगरबी बंगाल की जो बयानिया एक था, यानी कि नहीं नहीं अलग अलग बात सबकी, मतलब सब ने एक होता है ना कि कोई मुश्तरका बात आगे चले, तो वो मुश्तरका बात नहीं हो सकी। कुछ तो अपने 370 तो ख़त्म कर चुके हैं ना। बात ये सारी मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी साहब इनके अपने थे, ठीक है, कुछ पार्टियाँ इनकी अपनी थीं, कुछ पार्टियाँ थीं जिनका इनका ख्याल था कि उनके ऊपर हमने अपना काम मुकम्मल कर लिए, जैसे महबूबा मुफ्ती साहबा के हमने कुछ रिश्तेदारों को छोड़ दिया है पिछले हफ्ते, तो वो हमारा साथ देंगे, एक अलामिया सा आ जाएगा। वो अलामिया सा सामने नहीं आया और कोशिश होती रही कि एक उसके बाद एक एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन या कोई इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी बात हुई वहाँ पे कुछ लोगों से जो मीडिया के लोग थे, जो खुल के नहीं बात कर रहे अपने मीडिया पे, तो वो कहते हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजारिश की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर लें, तो लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे। वो गाड़ियों में बैठे और अलग अलग बात सब करके निकले, किसी ने कहा 370 बहाल होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने ये होना चाहिए, तो वो टाइम टाइम फिश हो गया सारा। यानी वो इधर आप छोड़ दें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या बाकी लोगों को छोड़ दें, जो इधर लोग बुलाए गए थे वो भी किसी एक बात पे इकट्ठे नहीं हो सके, और 370 की चूंकि बात एक ने कर दी और ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल से आवाज उठा दी, ठीक है, तो और राहुल गांधी ने भी कर दी और फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कर दी, अब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी मजबूर होंगे उसको करने के लिए, गुलाम ने, तो ये सारा ठुस हो गया प्लान। और इसको अटेंड करने के लिए वहां से हंगामी तौर पे आए थे अदीत देवल साहब, दुशंबे से, दुशंबे में थे ना, दुशंबे में वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये तो हो गया मामला ठुस। और ये इसको किसी ना किसी तरह से कामयाब होना चाहिए था ताकि एक बात आगे तो बढ़ती, किसी ना किसी अंदाज में बात आगे बढ़ती, मुजाकरात का खत्म होना, डेडलॉक हो जाना और किसी बात पे इत्तेफाक ना होना। और ये जो बात मैंने भी वहाँ के एक उनके एक मीडिया ग्रुप के बड़े सीनियर उनसे पूछी, तो वो मुझे कहते हैं कि यार ये बात हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरह हो जाए, कोई अलामिया जारी हो जाए, कोई एक साथ बात कर लें लोगों से खड़े होकर, तो लेकिन चूंकि तो फिर ये हुआ कि वो माइक लेके सब गाड़ियों में बैठे, उन्होंने साथ खड़े होकर बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे के, मतलब यहाँ तक इख्तलाफात पैदा हुए। सही। अच्छा, अब ये जो तो एक एक अगर इत्तेफाक राय पैदा हो जाता तो उसके नतीजे में कोई बात आगे बढ़ती किसी ना किसी अंदाज में, जो कश्मीर के लिए, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आती। लेकिन अब वो इलेक्शन होगा नहीं होगा, 370 कैसे हटेगा, रहेगा क्या, होगा क्या, वो चूं चूं मुरब्बा बन के वो एक खत्म हो गया मौका। और अब जाहिर है कि अगली मीटिंग कैसे होगी, जब कोई एजेंडा तो इसमें तो तय ही नहीं हो सका और सब जाके अपनी अपनी बात करेंगे मीडिया पर, तो ये तो हो गया ठुस। दूसरी जो बात है जो बड़ी अहम है वो ये है कि थोड़ी देर पहले सदर अशरफ गनी जो हैं वो वाशिंगटन पहुंच गए हैं और कल उनकी जो है वो तफसीली मुलाकात अब होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात जो मेरे लिए कुछ हैरान कुन तो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो डॉक्टर घोंचू, आपको पता है ये धसम धुस घुस फुस इस तरीके के वर्ड इनके द्वारा बहुत यूज़ होते हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाजमोला बिकता है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आपने देखा इनका जो रिएक्शन था इतना सा आया है, उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि डेफिनेटली
पाकिस्तान इससे बहुत सैड है, जो एक्शन हुआ है ये डॉक्टर घोंचू हैं, ये भारत में कोई भी छोटा सा मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र का अगर शिवसेना का कोई पार्षद का इलेक्शन भी होता है ना, तो वहाँ पे बीजेपी और उनका अगर लफड़ा चल रहा होता है तो ये बात कर देते हैं कि अब तो ये हो गया वो हो गया, इस तरीके के ये पत्रकार हैं, इनको मतलब भारत में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन इस टॉपिक को लेकर ये बहुत कम बोले हैं, इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बहुत मतलब हथौड़ा सही जगह लगा है इन पर। और ये कश्मीर को लेकर ये और वो फलाना ठिकाना ये बातें कर रहे हैं, आपको भी पता है ये कल तक तो ये बातें कर रहे थे कि जो ये मीटिंग हुई है ये अमेरिका के प्रेशर पर हो रही है। आज मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इन्होंने कुछ बात क्यों नहीं की जो बाइडन की, ये मतलब मैं शॉक्ड हूँ, ये बात ही नहीं कर रहे। कल तक मैंने अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और कल का वीडियो अगर देखा है, कल या दो दिन पहले मैंने अपलोड किया था जिसमें इन्होंने बात की थी कि ये जो 24 तारीख को मीटिंग होने वाली है ये अमेरिका के प्रेशर पर हो रही है और मोदी बहुत बड़ा कुछ फैसला लेने वाला है, रीबैक करेगा आर्टिकल 35A या कश्मीर से या 370, मतलब फिर से वापस आ जाएगा, इस तरीके की ये बातें कर रहा था डॉक्टर घोंचू। तो डॉक्टर घोंचू आज बिल्कुल मतलब सन्नाटा बन चुका है, अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस पर बोले तो बोले कि अपनी जो ऑडियंस है उसको कैसे बनाए बेवकूफ़, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी बेचारे करें तो करें क्या, इनसे होना तो कुछ है नहीं, इनकी फौज में भी बगावत के जो सुर अभी छिड़े हैं आपने देखा होगा, मैंने लास्ट जो दो तीन मतलब घंटे पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें देखा होगा आपने कि पाकिस्तान के लगभग 22 फौजी कमांडर अटक की जेल में हैं और इंटरनेशनल मीडिया उसमें उसको कवर कर रहा है कि ये जनरल बाजवा की हत्या की साजिश रच रहे थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो ये तो मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ बनती इस सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से। तो कश्मीर को लेकर जो आज मीटिंग हुई है उससे पहले आपने देखा था महबूबा मुफ्ती का काफ़ी रिएक्शन आ रहा था, हम ये वो फलाना ठिकाना 370 नीचे इससे वापस नहीं आएंगे, उनको सबको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेफिनेटली अपना जो मीटिंग हॉल है उसके बाजू में जो प्राइवेट रूम है वहाँ पर ले जाकर सबको समझा दिया होगा। और कश्मीर का स्टेटस अब वैसा ही है जैसे दिल्ली का है, आपका चुनाव होगा आपका मुख्यमंत्री होगा, बस जो कुछ पावर है वो कंट्रोल में रहेंगी गृह मंत्रालय के अंदर में जो केंद्र शासित प्रदेश के साथ अक्स होता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो दोस्तों अब ज़्यादा कुछ है नहीं मुझे बोलने के लिए, आपने ये वीडियो देखा, अब रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, जो घंटी है उसके निशान को दबाएं जिससे कि आपको मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिले, फिर आप वीडियो एंजॉय करें मेरे आने वाले।